nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. Hello guys, my name is Tanish Jain. I am from ENTC branch first year and my CET was 98.41. Guys, I'm Aryan Karewar. My percentile in CET was 98.94 and I am presently in ENTC branch in CET. तो अपन लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेसिक। तो पहला क्वेश्चन के भी लास्ट के लेस देन 10 दिन बाकी है, तो इस 10 दिन में तुम लोगों ने कैसा पढ़ा था? तो लास्ट 10 दिन में तो मैंने कुछ नया तो पढ़ा नहीं, सिर्फ अपने लिखे हुए नोट्स रिवीजन मारता था और सिर्फ मॉक टेस्ट देता था और थोड़ा चिल में रहता था, शांत, मम्मी से ज़्यादा बात करता था एक्चुअली। 10 दिन में देखो मैंने जैसा पढ़ा था, 10 दिन में 5-5 के 2 ग्रुप बनाए थे। जो एग्ज़ाम के पहले वाले 5 दिन होता है उसमें मॉक टेस्ट नहीं देना होता है, क्योंकि वो जो स्कोर होता है उसमें जो अगर कम स्कोर आ गया तो आदमी डिप्रेशन में भी जा सकता है, मतलब प्रेशराइज हो सकता है। इसलिए मैंने लास्ट पाँच दिन में टेस्ट नहीं दिया। लास्ट 5 दिन में जितने नोट्स निकाले थे, जितने स्क्रीनशॉट निकाले थे, अपन लेक्चर करते हैं यूट्यूब वाले तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखते हैं, तो वो पूरा रिवाइज किया। एंड वन शॉट जो होते हैं यूट्यूब पे, तो वन शॉट बहुत एडवांटेज होता है वन शॉट का, तो वन शॉट देख लो पूरे, तो वन शॉट ही देखे थे। वन शॉट तो देखना, वन शॉट बहुत बेस्ट चीज है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन की रिवीजन कैसे की जाए इस लास्ट सीट के? तो बेसिकली तुम जो वन शॉट देख रहे हो उसमें तुम्हें नोट्स मिलते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि खुद के लिखे हुए नोट्स लिखो, खुद के बाद लिखते हुए तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा बेस्ट जाएगा भाई। Yes. तुम्हें याद रहता तुमने क्या लिखा। ओके बताओ रिवीजन कैसे करना? रिवीजन अब सीईटी एग्जाम है ना, सीईटी एग्जाम ट्रेंड फॉलो करती है, सबको पता होगा। तो सीईटी के लिए अपन जो वन शॉट में नोट्स बनाते थे, ऐसे इसने बोला, तो वही नोट्स को अपन एक बार रिवीजन मारते हैं और एग्जाम के 2 दिन पहले जो ट्रेंड होते हैं सीईटी के, जो हर बार फॉलो होते, कन्फर्म फॉलो होते, वो ट्रेंड पूरा एक बार देख लेने का कि अब बहुत से ट्रेंड होते हैं, वो ट्रेंड देखने का, वो रिवीजन मारने का, ट्रेंड नहीं छोड़ने का। और जो वन शॉट के नोट्स है, जो अपने नोट्स बनाए 2 साल, वो नोट्स रिवाइज करने के, बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। ओके, मॉक टेस्ट कैसे दी जाए लास्ट दिनों में? मतलब अभी बताया कि लास्ट के 5 दिन में मॉक टेस्ट नहीं देना, मैंने नहीं देना भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मतलब जो भी दिन बाकी 5 दिन माइनस किए जाए, तो मॉक टेस्ट इफेक्टिवली कैसे देनी चाहिए? मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसा करना चाहिए? तो मॉक टेस्ट, अब नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कम हो तो भी ठीक है, बट अपन एक मॉक टेस्ट दी तो उसका कंप्लीट एनालाइज होना चाहिए। अपन मॉक टेस्ट दे रहे और एनालाइज नहीं कर रहे उस मॉक टेस्ट को, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है। अगर मॉक टेस्ट देना है तो देखो एक वीक होता है, अब तो लास्ट में अपने के पास टाइम नहीं है, तो एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे दो, जो लास्ट 5 दिन होता है उसमें मॉक टेस्ट मत देना। बट उसके पहले जो अपने पास जितने दिन बचे हैं, तो उसमें अपने को डेली 1 से 2 मिनिमम, 1 तो होनी चाहिए, और उसका पूरा एनालिसिस होने के बाद दूसरी मॉक टेस्ट स्टार्ट करना। अगर आप 2 दोगे और उसका एनालिसिस नहीं होगा तो वो कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है, कुछ अपना उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स का बेसिकली डेली रूटीन क्या होना चाहिए? डेली रूटीन ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सुबह 6 बजे उठ के पढ़ो, फिर ये करो, 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा तुम अपना डिसाइड करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा थोड़ा अलग है, मतलब बाकी मोस्टली लोग क्या करते हैं, रात में जग के पढ़ता है, बट अब इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। किसी को रात में जगने की आदत नहीं होती, जैसे मुझे, तो मैं सुबह 4-5 बजे उठता था, पढ़ता था, अब इसका होगा। बट लास्ट 5 दिनों में ना अपने को 24 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है। अपन सो रहे तब भी रील्स देख रहे हैं, रील्स की जगह आप नोट्स पढ़ो। मैं तो बैठ के 6-7 घंटा फुल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ना है, बट टाइम पास करते वक्त भी अपने को पूरा एकदम टाइम पास नहीं करना है। अपने को रील्स देख रहे तो उसकी जगह आप नोट्स पढ़ो ना, अपने स्क्रीनशॉट, शॉर्ट क्लिप देखो, अरे बहुत ऑप्शन है पढ़ाई करने के। बस अपने को 6 घंटा कॉन्सेंट्रेशन टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना ऐसा नहीं होता, तो वो ऐसा कर सकते हैं अपन लास्ट 5 मिनट, वैसा ही करना होता है। तो अभी भी ये ऑनलाइन यूट्यूब वाले टाइम टेबल मत देखना कि सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, हाँ। पहले योगा कर रहे हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं घंटा, फिर रेस्ट कर रहे हैं, नहीं होता। अपना फॉलो करो। अब बाकी सब लोग बोलते कि रात को जगो 2-3 बजे तक, मेरे से जगना नहीं होता। मैं मैक्स अब मेरे प्रिपरेशन के वक्त 10-11 जगाऊँ और उठा 3-4 बजे उठता हूँ, तो मैक्स आपको 4-5 घंटे की नींद ये ठीक है। मतलब हेल्थ पे भी इस टाइम पे बहुत फोकस रहना है। 2-3 घंटे नींद नहीं, 4-5 घंटे की नींद ले सकते हैं। अपने चीजों पे सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम है, निकल जाएगा। अच्छा, खुद पे बिलीव रखो, आपने जितना किया है 2 साल वो उसका फल मिलने वाला है। अब देखो एक सीधी बात है, पिछले 2 साल कुछ नहीं किया तो अब 5 दिन में करके कुछ फायदा नहीं है, और पिछले 2 साल जितना किया है अब 5 दिन में कुछ भी करो उतना तो होने ही वाला है ना, ये सीधा लॉजिक है। टेंशन मत लो, हाँ। एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो यही है कि तुम लोग चिल में रहो, अभी 5 दिन है तुम्हारे पास, जितने भी दिन है पढ़ो आराम से, टेंशन मत लो, जो बन रहा है वही करो, नई चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और एंजॉय करो। यस, और लास्ट 5 दिन में जितना अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके जितना अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके उतना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। अगर आपको एक कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो छोड़ दो। कोई अपने को एक कंसेप्ट छोड़ने का कोई अपने को लॉस नहीं होता है। जितना अपने को कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो अपन कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। टेस्ट दो, इजी से टेस्ट दो, लगता है तो ट्रेंड वाले टेस्ट दो। अपना जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना अपने एग्जाम के लिए अच्छा होता है। और प्रेशर मत लो एंड ऑल द बेस्ट। टेंशन मत लो, पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू। थैंक यू तनिष्क। Hello guys, my name is Tanish Jain. I am from ENTC branch first year, and my JEE percentile was 97.44 and my CET was 98.41. Yes, but no offense, my CET percentile was 98.9.